दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आने वाले कौन कौन से मैचेस होने वाले इंडियन फुटबॉल टीम के और आप लोग कब और कहाँ इन मैचेस को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को यही बोलूंगा कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मैं जब भी एक नई वीडियो के साथ आऊं तो आप लोग को यहाँ पे अपडेट मिल जाए। तो बिना ज्यादा समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप ये जो वीडियो है वो 8 जून को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज जो है वो मैच है इंडिया वर्सेस थाईलैंड का 2 PM से, जो कि आप हॉटस्टार या स्टार स्पोर्ट्स 3 पे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आने वाले मैचेस के बारे में। दोस्तों AIFF ने दोस्तों पिछले साल यानी कि 2018 में एक इनिशिएटिव लिया था, एक इंटर कॉन्टिनेंटल कप स्टार्ट किया था हीरो के साथ, यहाँ पे हीरो जो कंपनी है बाइक्स की उसके साथ यहाँ पे स्पॉन्सरशिप में, जिसका नाम दिया गया था हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप। दोस्तों ये जो कप है वो है तो दोस्तों एक इंटर कॉन्फेडरेशन कप, यानी कि जो बाकी की जो कॉन्फेडरेशन है FC छोड़ के उनकी जो टीमें हैं वो इस टूर्नामेंट में खेलेगी और एक हमारी टीम खेलेगी दोस्तों। लेकिन पिछले साल तक तो ऐसा हुआ, लेकिन इस साल दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं संभव हो पाया क्योंकि इस साल जितनी भी टीमें हैं वो सारी टीमें यहाँ पे AFC से बिलोंग करती है। पिछले साल 2018 में जो फर्स्ट एडिशन हुआ था दोस्तों उसे यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम ने जीता था फाइनल में, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दोस्तों, और 2019 में भी बहुत अच्छे चांसेस है कि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम दोस्तों इस टूर्नामेंट को जीत सकती है। इस बार दोस्तों जो 4 टीमें पार्टिसिपेट करी हैं वो है पहली तो हमारी अपनी टीम इंडियन टीम, और उसके बाद दोस्तों सीरिया की टीम है, उसके बाद दोस्तों तजाकिस्तान की फुटबॉल टीम है, उसके बाद फिर नॉर्थ कोरिया की दोस्तों टीम है। दोस्तों सबसे अच्छी फीफा रैंकिंग वाली टीम है इस टूर्नामेंट में वो है सीरिया, जिसकी 83rd फीफा रैंकिंग है अभी फिलहाल। अगर कुछ अपडेशन होंगे तो मैं कैप्शन में आपको बता दूंगा अगर आप बाद में दोस्तों वीडियो देखेंगे तो। और उसके बाद हमारी इंडियन फुटबॉल टीम आती है जिसका यहाँ पे 101 फीफा रैंकिंग है अभी फिलहाल। हो सकता है किंग्स कप के बाद कुछ अपडेशन हो इस रैंकिंग में, क्योंकि किंग्स कप एक फीफा रैंकिंग टूर्नामेंट है जिसका यहाँ पे सीधा प्रभाव इंडियन फुटबॉल टीम के रैंकिंग पे पड़ेगा। और ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है वो भी दोस्तों एक फीफा रैंकिंग टूर्नामेंट है, तो इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसको फीफा रैंकिंग में काफी फायदा होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रारूप और क्या यहाँ पे फॉर्मेट होने वाला है इस टूर्नामेंट का। दोस्तों ये जो टूर्नामेंट है वो खेला जाएगा राउंड रॉबिन फॉर्मेट में, यानी कि जितनी भी टीम है उसे बाकी की सारी टीमों से मैचेस खेलने पड़ेंगे, और जो लीग मैचेस खत्म हो जाएंगे जब सारी टीमें सारी टीमों के साथ मैचेस खेलेंगी। यहाँ पे 4 टीमें हैं तो हर एक टीम जब 3-3 मैचेस खेलेगी तो उसके बाद पॉइंट टेबल पे जो टॉप 2 टीम होगी दोस्तों वो खेलेगी यहाँ पे फाइनल एक दूसरे से, और बाकी की जो 2 टीम बॉटम पे होगी वो खेलेगी 3rd प्लेस के लिए मैच। तो यहाँ पे हर एक टीम को इस टूर्नामेंट के अंदर यहाँ पे 4 मैचेस खेलने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका होगा इंडियन फुटबॉल टीम को अपने आप को आजमाने का और इगोरिस्टी मैच को यहाँ पे अपनी नई स्ट्रेटजीज बनाने का, क्योंकि वो अभी नए नए आए हैं तो मैचेस जब तक इंडियन फुटबॉल टीम नहीं खेलेगी तो वो इंडियन फुटबॉल टीम को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और जब समझ जाएंगे दोस्तों काफी फायदा होगा इंडियन फुटबॉल टीम को। दोस्तों अभी तक AIFF ने इस टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी नहीं किया है, बस यही बताया है कि ये जो टूर्नामेंट है वो July 7 से स्टार्ट होगा और July 18 को एंड हो जाएगा। और जब भी यहाँ पे AIFF एक शेड्यूल के साथ आएगा दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों लोगों के साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए और इंडियन फुटबॉल टीम को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो।